नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे लग रहा है कि एक फेक नैरेटिव फैलाया गया है कि आलिया भट्ट एक डम एक्ट्रेस है। मुझे लगता है आलिया भट्ट एक बहुत ज़्यादा शातिर औरत है, एक इनोसेंट फेस के पीछे। आलिया भट्ट को उनके फादर ने कभी लॉन्च नहीं किया, आलिया भट्ट को लॉन्च किया करण जौहर ने। आलिया भट्ट ऑब्वियसली ये कबूल कर चुकी थी कि ड्यूरिंग हर इनिशियल ग्रोइंग ईयर्स शी वॉज नॉट वेरी क्लोज विद हर फादर एंड शी हैड अ वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। महेश भट्ट साहब वॉज वेरी फ्लैम्बॉयंट इन हिज यंग एज। सोनी राजदान इज हिज सेकेंड वाइफ एंड उन्होंने इस्लाम कबूल किया था टू गेट मैरिड टू सोनी राजदान। नाउ आलिया भट्ट करण जौहर के शो में ऑब्वियसली एक्सपोज करती है कि उसकी जीके कितनी खराब है व्हेन शी इज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय सेइंग दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज पृथ्वीराज चौहान। ये आलिया भट्ट आज की तारीख में रणबीर कपूर को डेट कर रही है, शादी भी करने वाली है, हु वाज एट वन पॉइंट हर बेस्ट फ्रेंड कतरीना कैफ्स बॉयफ्रेंड। तो आलिया भट्ट कहीं से भी बेवकूफ मुझे नहीं लगती, वो ऑब्वियसली बेवकूफ बनने का या डम बनने का ड्रामा करती है। यहां पर मुझे लग रहा है कि अगर सड़क पिक्चर फ्लॉप हुई पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत डेथ, तो सड़क पिक्चर के प्रोडक्शन हाउस थे उनके खुद के फादर का बैनर, और आज की तारीख में गंगूबाई फिल्म जो उनकी आने वाली है वो ऑब्वियसली उनके फादर का बैनर नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आलिया भट्ट जो ऑब्वियसली रजत शर्मा के शो में जा चुकी है आपकी अदालत, जिसे ऑब्वियसली कहा जाता है कि वो सेंटर के साथ कनेक्शन रखता है, तो आलिया भट्ट और उनकी माँ शायद एक गेम प्ले कर रही है टू गेट बैक टू महेश भट्ट। Where obviously the daughter is visiting Modi ji with her boyfriend, the daughter is going to aapki adalat because that is an important thing to do to move your career. So shayad the mother daughter are playing a game to kind of sacrifice Mahesh Bhatt saab so that Alia Bhatt ka career upar jaye, kyunki Alia Bhatt kabhi bhi apne father ke sath close nahi thi in her growing years and aisa usne kabool kiya hai. Ab sabko pata hai Mahesh Bhatt saab has a very strainful relationship with the kendriya sarkar and he loves Pakistani artists and Pakistani talent and there is a very difficult note that he shares with Kangana Ranaut. Ab Mahesh Bhatt saab ko kya, unki khud ki beti bhi sacrifice kar rahi hai Alia Bhatt for becoming successful in her career, kyunki Gangubai hit hone wali hai, Sadak hit nahi hui. Dono mein farak yahi hai, jabki dono ke andar Alia Bhatt thi ki ek unke khud ki father ki production thi aur dusri obviously Sanjay Leela Bansali ki production hai. तो समझदार को इशारा काफी है। मुझे लगता है कि आलिया भट्ट अपनी मां के साथ अपने फादर की बलि चढ़ा रही है अपने करियर को आगे ले जाने के लिए। यह मेरी एक सोच है। नमस्ते, जय हिंद।